फाइंडिंग टीबी के पेशेंट के लिए आपको मिलती है वो इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, और नंबर टू हमें क्या मिलती है जी, कैविटेशंस मिलती है, और ये ज़्यादातर अपर लोब में होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि लंग्स अगर जो है वो बहुत मल्टी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोलैप्स कर चुकी हुई, या क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो गई या प्लूलर इफ्यूजन हो गई, तो वो भी चेस्ट एक्सरे पर आपको नज़र आ जाएगी। नंबर टू, अगर इस पेशेंट को खांसी होती है और बलगम वाली खांसी होती है, तो फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, स्पूटम स्टेनिंग कर लेते हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टेप होता है टुवर्ड डायग्नोसिस, ठीक है। पॉजिटिव स्मेयर जो है वो काफ़ी होता है फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ टीबी, और हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आप फिर उसने कहा है कि स्पूटम स्टेनिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट वो हैं, तो ये ऑरामाइन फ्लोरोसेंट टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये सेंसिटिव है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए दूसरा टेस्ट हमारे पास जो है वो जील नेल्सन स्टेन होता है, वो लेस सेंसिटिव है लेकिन ईजी टू परफॉर्म है, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। बट इफ पेशेंट कहे कि नहीं जी बलगम तो आता ही नहीं है, वो एक्सपेक्टोरेट करता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो उसका सॉरी जो उसका स्पूटम है वो ऑब्टेन करते हैं बाय इंडक्शन विद नेबुलाइज हाइपोटोनिक सलाइन या ब्रोंकोस्कोपी और लिवाज के थ्रू उसको इंड्यूस करके ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो टेस्ट होता है हमारे पास वो होता है स्पूटम का कल्चर करना। एक तो स्पूटम की स्टेनिंग कर दी, और नंबर टू हम क्या करते हैं स्पूटम का कल्चर करते हैं। कहता है ये मस्ट रिक्वायर्ड होता है फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी। हम लोग तकरीबन 3 स्पूटम के स्पेसिमेंस जो हैं वो ले लेते हैं, और उसके ऊपर फिर डिपेंडिंग अपॉन कोई सॉलिड मीडिया या लिक्विड मीडिया या न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन PCR के थ्रू उसको डायग्नोज कर लेते हैं, जो रैपिडली डायग्नोज में हेल्प करता है। ये तकरीबन 4 से 8 हफ्ते ले लेता है, ये 1 से 3 हफ्ते, और ये रैपिडली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। सो ये 3 चीज़ें हमने मस्ट करनी है, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम स्टेनिंग और स्पूटम कल्चर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब अगर हमें लगता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB भी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करूं? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर 1 हम फ्लूइड को एग्जामिन करेंगे टू रूल आउट एनी CSF इन्वॉल्वमेंट और एनी एब्डोमिनल एसाइटीज या प्लूरिक या जॉइंट्स में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो वहां से फ्लूइड एस्पिरेट कर लेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। नंबर 2, अगर हमें लगता है कि ये टिश्यूज में है तो टिश्यू की बायोप्सी की जा सकती है। नंबर 3, बोन मैरो की बायोप्सी की जा सकती है, और नंबर 4 लिवर बायोप्सी की जा सकती है। सो वहां से भी इसके अगर मेट्स या इसका डिजीज स्प्रेड है, डाइजिमिनेशन है, तो हम वहां से भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। सो ये भी तरीका है, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपने बहुत पढ़ा है बेटे, फार्मा में 2 तरह की ड्रग्स होती हैं। हम कहते हैं जी फर्स्ट लाइन ड्रग या फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन या सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट राइट के अंदर आप RIPE राइप से याद रख लो, इसमें हमारे पास आता है रिफेम्पसिन, इसमें हमारे पास आती है आइसोनाइजिट, इसमें आता है पाइराजिनामाइड और एथम्ब्यूटॉल, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है। इसके अंदर फिर सेकंड लाइन में बेटे आपको बताया जी आ जाती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसके बाद हमारे पास जितनी भी क्वीनोलॉन्स हैं, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी फर्स्ट लाइन एजेंट में शामिल करना चाहिए, ठीक है। सो क्वीनोलॉन्स हैं, उसके बाद हमारे पास एमिकसन आ जाती है और कैनामाइसिन, ठीक है, कैप्रियोमाइसिन और साइक्लोस्पोरिन। ये आपने फार्मा में पढ़ी हुई है, बेशक आप ये 4 लिख दें मोर देन एनफ है। अब अगर तो वो सिर्फ पल्मोनरी TB है, तो फिर हम ट्रीटमेंट 6 महीनों के लिए करते हैं। पहले 2 महीनों में हम 4 ड्रग्स देते हैं और अगले 4 महीनों में हम 2 देते हैं। चारों तो चारों ही दी जाएंगी, और अगले 4 महीने जो 2 दी जाती है वो आइसोनाइजिट और रिफेम्पसिन है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी से मुराद ये कि वो HIV पेशेंट है, या फिर वो बोन में जा चुकी हुई है, या वो मिलरी TB है, मेनिनजाइटिस हुआ हुआ साथ में, तो इन केसेस में फिर हम इसका ड्यूरेशन जो है वो 9 से 12 महीने कर देते हैं, ठीक है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटे उसने आपको इसकी डोज बताई हुई है, डोज अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो भी ऐसा जितना फ़र्क नहीं पड़ता। कि आइसोनाइजिट 5 mg पर kg, रिफेम्पसिन 10 mg पर kg, एथम्ब्यूटॉल 15-25, पाइराजिनामाइड भी 15-30, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन 15। अब एक चीज़ ये होती है, आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा हुआ होगा कि इसका पैटर्न होता है कि पेशेंट खुद ले लेगा या ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हम कहते थे कि जी वो 6 महीने की दवाई खाता नहीं है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम घर में किसी की जिम्मेदारी लगाएं कि वो बाकायदगी से दवाई दे, या फिर हम लोग जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपीज होती है उनको कहते हैं जी आप इधर ये जो छोटे मोटे मरकज़ होते हैं वहाँ आ जाएं हम रोज़ कि आपको खुद गोली देंगे, हमारे सामने खाएं और घर चले जाएं। इफ़ ये पॉसिबल नहीं है तो आपका कोई स्टाफ का बंदा उसको घर जाके दवाई दे आए, ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसको एडमिट करके कोर्स पूरा कराएं। तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इस तरह का आता है जो आपकी कम्युनिटी में है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ जो है उसने साइड इफेक्ट बताए हुए ड्रग्स के, तो ये साइड इफेक्ट
इफेक्ट्स अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, पहले बात करेंगे आइसोनाइजेट की, रिफेम्पन की, एथम्ब्यूटॉल की और पायराज़ाइनमाइड की। बट आइसोनाइजेट के जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, उसमें दो साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये हेपेटाइटिस कॉज करती है, और दूसरा ये कि ये पेरीफ्रल न्यूरोपैथी कॉज करती है, आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। न्यूरोपैथी के लिए तो आप इसको साथ में विटामिन B6 देते हो, लेकिन हेपेटाइटिस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप LFTs करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, अगर वर्सन हो रहा है तो फिर आप ड्रग छुड़वा देते हो, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा साइकोसिस और एसएलई लाइक सिम्टम और कुछ एलर्जिक रिएक्शन करती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफेम्पिसिन का सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि पेशेंट की जितनी भी बॉडी की सिक्रीशन है ना, उनमें ऑरेंज कलर आना शुरू हो जाता है, चाहे उसका यूरिन है, उसका स्वेट है, स्लाइवा है, थूक है। तो हम पहले बता देते हैं, अम्मा जी, बाबा जी, आप जब भी दवाइयाँ खाएंगे तो आपके जो पेशाब है या पसीना है, आपको इस तरह लगेगा कि वो सुर्ख सा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। और यहाँ हम सिर्फ पेशेंट को रीअश्योर करते हैं दवाई रोकने की या नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एथम्ब्यूटॉल को बेटे आप आई से याद रखेंगे, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करता है, यानी ये पेशेंट के अंदर कलर ब्लाइंडनेस करता है और उसकी विजुअल एक्यूटी रिडक्शन कॉज करता है। अगर ऐसा कुछ हो तो नंबर वन हम डोज को कम करते हैं, लेकिन फिर भी हो तो फिर हम ये स्टॉप करा के इसकी जगह कोई और एजेंट डालते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स में से, ठीक है। और लास्टली जो हमारे पास आती है, लास्टली जो है, अच्छा, ये जो रिफेम्पिसिन है ना, ये ऑरेंज कलर के साथ साथ हेपेटाइटिस भी करती है। ये तीन हेपेटाइटिस करती हैं, एथम्ब्यूटॉल नहीं करती। तो ये भी पूछा जाता है लीस्ट हेपेटोटॉक्सिक, तो वो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है हमारे पास पायराज़ाइनमाइड। तो पायराज़ाइनमाइड का इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि हेपेटाइटिस तो ये करती ही करती है, लेकिन ये गाउट के अटैक को प्रेसिपिटेट करती है, ये हाइपर यूरेसीमिया करती है। सम टाइम क्वेश्चन दिया जाता है जी, नाइट स्वेट थे, फलां था, टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ट्यूबरकुलर पेशेंट था, हमने दे दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद आ रहा है जॉइंट के अंदर पेन बता रहा है, तो मोस्ट लाइकली ड्रग जिसने ये किया होगा वो कौन सी ड्रग है, तो वो पायराज़ाइनमाइड होती है। क्योंकि क्या करती है, ये क्या करती है, आपकी पेशेंट की हाइपर यूरेसीमिया करके प्रीवियसली गाउट अटैक को प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है। और सर फोटो सेंसिटिव भी होती है, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा हम स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर दें तो वो जी ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है, वो वेस्टिब्यूलर नर्व डैमेज करती है, जिससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और ग्रेनुलोसाइटोसिस वगैरह कर सकती है। और वो हम नॉर्मली नहीं देते, मल्टी रेजिस्टेंट टीबी हो तो फिर दे देते हैं। तो ये कुछ जो है उसके साइड इफेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उसने कहा कि क्या आपको पता है कि स्टेरॉइड्स का कोई रोल है टीबी में। नॉर्मली स्टेरॉइड्स आर नॉट रिकमेंडेड, लेकिन स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन वगैरह दिए जाते हैं दो कंडीशंस में। अगर हम टीबी के साथ ये देखें कि पेशेंट को पेरिकार्डियल डिजीज है, यानी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो फिर हम स्टेरॉइड दे सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के रिस्क को कम करता है। और नंबर टू, हम ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस देखेंगे तो फिर हम जो है वो स्टेरॉइड साथ में दे सकते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम कर देगा। एक दो टर्म्स और सुन लें, एक होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक होती है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस WHO की डेफिनेशन के मुताबिक वो टीबी है जो आइसोनाइजेट और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर इनकी जगह हम सेकेंड लाइन एजेंट डालते हैं। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस आइसोनाइजेट, रिफेम्पिसिन और प्लस एक और ड्रग से रेजिस्टेंट होती है। वो एक और ड्रग जो है वो कैनामाइसिन हो सकती है, टियोमाइसिन हो सकती है, या एमिकसिन हो सकती है। फिर इसके लिए मजीद स्पेक्ट्रम वो होता जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, आपकी बुक के अंदर बेटे PPD टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। PPD टेस्ट में आप लोगों को सारा बता चुकी हूँ कि PPD टेस्ट में बेसिकली क्या किया जाता है कि उन लोगों में करते हैं जिनमें हमें सस्पिशियस हो। इसमें वही हम इंजेक्ट करते हैं, सेल में डीटेड इम्यूनिटी के बाद इंड्यूरेशन अपीयर होती है और इस इंड्यूरेशन को मेजर कर लेते हैं। आपने याद रखना है कि 15 mm से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव कंसिडर होती है उन लोगों में जिनमें साथ कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी एक हेल्दी पेशेंट है और उसको कोई और मसला नहीं है। तो फिर अगर उसकी ड्यूरेशन 10 mm है तो मैं उसको पॉजिटिव नहीं कंसीडर करूँगी, 15 से ऊपर होगी तो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें साथ और कोई मसला तो है नहीं। फिर 10 mm से ऊपर पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं उन लोगों में जिनमें साथ में ये वाले रिस्क फैक्टर मौजूद हों, जैसे कि वो प्रिजनर हैं, जैसे कि वो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जैसे कि उनका किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था जिसको TB है, ठीक है, या उनके अंदर कोई पहले से हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी मौजूद है, या वो अल्कोहलिक हैं, डायबिटिक हैं, या IV ड्रग अब्यूज़र हैं। और 5 mm छोटी सी भी पॉजिटिव कंसीडर कर ली जाती है उन लोगों में जिनको तो HIV हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, एक्टिव TB वाले पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रह रहे हों, उनका चेस्ट एक्सरे अबनॉर्मल है, या रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, ठीक है। और देन फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी इसके हर आ जाते हैं। उसके लिए फिर ये होता है
कि अब एक चीज़ समझ लो, अगर आप लोगों ने समझ नहीं है वरना इसको स्किप कर दो। वो ये कहता है कि अगर एक पेशेंट की पीपीडी की जाए और वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर दूसरी की ज़रूरत नहीं है, हम उसका आगे चेस्ट एक्सरे करते हैं फॉर द कन्फर्मेशन और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसकी पीपीडी की और पहली दफ़ा की और नेगेटिव आई है, पहले कभी पीपीडी उसकी नहीं हुई थी, तो इस केस में सेकेंड पीपीडी हमें करनी पड़ती है। आफ्टर सम वीक्स हम क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं। अब जब हमने दोबारा से की और फिर भी नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है वो ट्रू नेगेटिव है, उसको कहते हैं जी आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन जब दोबारा की और पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है पहले वाली फॉल्स नेगेटिव थी। यहाँ पे फिर हम उसका चेस्ट एक्सरे करते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो ये एक जो है वो है, ठीक है। सो दिस इज दैट। अब आप लोग इसको पढ़ लें, टीबी को थोड़ा सा मुश्किल था, कॉम्प्लेक्स था। एंड देन टीबी की जो वैक्सीन है वो आपको पता है वो बीसीजी होती है, ठीक है। सो बीसीजी वैक्सीन पैदा होते साथ लगती है। एडल्ट्स में इसकी एफिकेसी नहीं पता, लेकिन बच्चों में एफिकेसी बहुत अच्छी है। हाँ, ये बीसीजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है, उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं जब, या वुमेन प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टीबी। इतना आपको पता होना चाहिए कि टीबी बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी लंग का इन्फेक्शन है, लेकिन ये हो पूरी बॉडी में सकती है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको स्टार्ट किया, फिर ये फैलती है। प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी, मिलरी टीबी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करती है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है, जॉइंट्स को, बोन्स को। देन हम इसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो चेस्ट एक्सरे, स्पूटम स्टैनिंग, स्पूटम कल्चर एंड कुछ जो है वो बाकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए भी चीज़ें कर रहे होते हैं। और देन फिर हमने इसके ट्रीटमेंट की बात की, जो कि एंटी टुबोकुलर थेरेपी आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। देन फिर हमने कहा कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, फिर उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड पीपीडी की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नमूनिया करेंगे। यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें मुझसे।